जिंदगी की कोई सड़क ऐसी नहीं होती जिसमें सब कुछ ठीक हो। ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें गड्ढे ना हो, स्पीड ब्रेकर्स ना हो, अंधे मोड़ ना हो। चल पड़े हो तो गिरोगे ही, चोट भी लगेगी, दर्द भी बहुत होगा, सब कुछ धुंधला लगने लगेगा। मगर जीने का जज्बा अगर दिल में हो तो आपको थामने के लिए कई हाथ आगे आ जाएंगे। उस दिन जब राजेंद्र पटेल घर से निकले तो उन्हें पता नहीं था कि वो हादसा अगले ही मोड़ पर छिपकर उनका इंतजार कर रहा था। वो गिरे, दर्द से आंखें खोली नहीं जा रही थी और वो ये भी जानते थे कि आगे जिंदगी में अभी कई बार और गिरना है, कई बार और दर्द झेलने हैं। मगर वो डरे नहीं, उन्होंने बस ये सोचा कि अच्छा हुआ चोट लगने की प्रैक्टिस हो गई, और मुस्कुरा दिए। ये कहानी ऐसे ही लम्हों की है, वो लम्हे जहां राजेंद्र पटेल ने अंधेरों में जीने की राहें खोजी। ऐसी ही कोई कहानी रही होगी जिसे सुनकर श्री दुष्यंत कुमार ने कहा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये कहानी है राजेंद्र पटेल की। एक कमरे के एक मकान से एशिया के सबसे बड़े कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर बनने के मुश्किल सफर की, हौसले की और हिम्मत की। श्री राजेंद्र पटेल कर्मठ, सरल और अपने साथ सदा एक सात्विक ऊर्जा लेकर चलने वाले एक अभूतपूर्व लीडर। मगर आज जिस एम्पायर पर वो खड़े हैं वो हमेशा से यहां नहीं था। राजेंद्र की जिंदगी की शुरुआत बहुत ही मामूली हुई थी, मगर छोटी सी उम्र में ही इन्होंने तय कर लिया था कि इस मामूली जिंदगी को अब खास बनाया जाएगा। राजेंद्र का जन्म बलवा नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। पैसों का इतना अभाव था कि इनकी माताजी को डिलीवरी के समय अस्पताल तक नहीं ले जाया गया था। राजेंद्र और उनके छोटे भाई मयूर अपने माता पिता के साथ एक कमरे के एक छोटे से मकान में रहते थे। बचपन से ही राजेंद्र हसमुख थे और अपनी ओर आते दर्द को भी हंसाने की क्षमता उनमें बचपन से ही थी। जन्म के कुछ वर्षों बाद ही राजेंद्र अपने परिवार के साथ सांगली रहने आ गए। यहीं के एक छोटे से स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। स्कूल के बाद जूनियर कॉलेज भी सांगली में ही था। यह वो नदी है जहां राजेंद्र और उनके दोस्त उमेश बैठकर अपने भविष्य के सपने बुना करते थे। मगर इससे पहले एक दौर ऐसा भी था जहां जवानी के जोश और मस्ती के नीचे उनका लक्ष्य कहीं खो सा गया था। इस हादसे से राजेंद्र के पैर पर गंभीर चोट आई। वो 12वीं में थे। हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद भी उन्होंने परीक्षा दी और अच्छे मार्क्स लाए। मगर इस हादसे के दौर में उनके सारे दोस्त उनसे अलग हो गए। वो अकेले पड़ गए। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो डटे रहे और उनके नए दोस्त बने। और यही कारण था कि उनकी जिंदगी ने एक बेहतर मोड़ लिया। अपनी सकारात्मकता से उन्होंने अपनी जिंदगी के अंधेरे दूर किए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। 12वीं के बाद वो मुंबई के VGTI कॉलेज में इंजीनियरिंग करने आ गए। राजेंद्र के पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, मगर अपनी परेशानियों को उन्होंने राजेंद्र के भविष्य के आड़े नहीं आने दिया। अपनी मुश्किलों को किनारे कर उन्होंने राजेंद्र को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया।
I still remember those days when he had his fractured leg and he used to come to us and sit with us in our class. That was probably one event that changed both of our lives. इंजीनियरिंग के तुरंत बाद ही राजेंद्र को क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स में नौकरी मिल गई। 750 रुपए की तनख्वाह से उनका सफर शुरू हुआ। अपने जज्बे के दम से राजेंद्र ने मुंबई के स्टॉक मार्केट में कदम रखा। He was so versatile that he got contact with one stock broker and he became the sub broker. So he used to go in the ring, make the deals for the share and study simultaneously. Because of him, I got in a depth knowledge of how stock market works. सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर लोनावला में फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बिगड़ गया। राजेंद्र के हाथ से लाखों के शेयर्स चोरी हो गए। इस हादसे ने राजेंद्र को अंदर से विचलित कर दिया। जिंदगी में उथल पुथल सी मच गई थी। He had a lot of trouble and he had to take a lot of pain to make payments to all these people, but he had repaid them in full. It took some time for him to make the repayment, but he did not lose any his goodwill and trust which people had in him. काम की तलाश में वो दर दर भटक रहे थे। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशन में सोकर बिताई। ये वो समय था जब मन में धीरे से कड़वाहट सी घुलती जा रही थी। बाहरी दुनिया से इन्हें नफरत होने लगी थी, लेकिन राजेंद्र का मन कहीं ना कहीं ये जानता था कि रात के बाद सुबह जरूर होती है, और तब उनके अंधेरों को रोशन करने उनके जीवन में आई पारुल, जो आज इनकी धर्मपत्नी है। संपन्न घराने की पारुल को राजेंद्र की सादगी भा गई। घर वालों द्वारा पहली मुलाकात करवाने पर ही दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को पसंद कर लिया था। पारुल के आते ही राजेंद्र के मन का अंधेरा छटने लगा। पारुल जो खुद बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, उन्होंने राजेंद्र को भी ईश्वर से जोड़ा। जीवन में सकारात्मकता वापस आई और इसका असर उनके जीवन में साफ दिखने लगा। शादी के बाद जिस दिन राजेंद्र और पारुल को एक बेटा हुआ, उसी के 5 घंटे के अंदर राजेंद्र का पूरा जीवन बदल गया। उनके फोन की घंटी बजी और उन्हें अपनी पहली फैक्ट्री खोलने का ऑर्डर मिल गया था। उन्हें भोपाल में फैक्ट्री लगाकर विक्स का प्रोडक्शन करना था। एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। अपने परिवार के सपोर्ट से राजेंद्र ने काम शुरू किया। एक अनजान शहर में एक ऐसा काम जिसके लिए उन्हें 24 घंटे खुद ही खड़े रहना था। पैसों की तंगी तब भी थी। सारी दौड़ धूप उन्हें खुद ही करनी थी। एक पहाड़ खुद ही तोड़ना था। मगर काम इतना कठिन होने पर भी राजेंद्र घबराए नहीं, वो डट गए। करीब 15 साल तक वो दिन रात लगे रहे। इस दौर में वो अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाए, मगर उनके परिवार ने उनके जज्बे का सम्मान किया और उनका हर मोड़ पर साथ दिया। बेटी के जन्म के बाद राजेंद्र के एक मित्र ने जब उनसे कहा कि बेटियां तो पलक झपकते ही बड़ी हो जाती हैं, तो वो सोच में पड़ गए। वक्त सचमुच तेजी से निकल रहा था। उनकी आंखों में वो दिन नजर आ गया जब वो अपनी बेटी को विदा कर रहे होंगे। इस दिन उन्होंने तय किया कि अब से वो अपने परिवार को भरपूर समय देंगे। जिंदगी की ऊबड़ खाबड़ सड़कों से गुजरते हुए राजेंद्र आज इस मुकाम पर खड़े हैं। मैक्सिन के नाम से इनकी 5 सक्सेसफुल फैक्ट्रियां हैं। विक्स, आयोडेक्स, टाइगर बाम, इक्लेयर्स और कैडबरी नटीज जैसे कई विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स यहां बनाए जाते हैं।
इतनी व्यस्तता के बावजूद राजेंद्र रोज शाम 7:30 बजे से पहले घर में होना पसंद करते हैं ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से समय दे पाएं। राजेंद्र के भाई मयूर की शादी पारुल की ही बहन से हुई है और ये पूरा परिवार मिलजुल कर साथ रहता है। अपने भाई के बच्चों को भी राजेंद्र अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। उनके सबसे पहले कर्मचारी थे झाबुआ के बालू मामा और उनकी पत्नी। ये दोनों इतने सालों बाद भी इनसे जुड़े हुए हैं। भोपाल में ये जिस स्कूटर पर दौड़ धूप करते थे उसे कई कारों का मालिक बनने के बाद भी इन्होंने सहेज कर रखा है। आध्यात्म में ये सुख पाते हैं और जब भी ईश्वर का बुलावा महसूस होता है ये वैष्णो देवी दर्शन को जाते हैं। कॉर्पोरेट जीवन में भी इन्होंने अपने सात्विक गुण नहीं छोड़े। शराब सिगरेट आदि के बिना ही ये रिश्ते रखने में विश्वास रखते हैं। कॉइन करेंसी और स्टैम्प कलेक्शन के अपने शगल को ये आज भी पूरी तरह एंजॉय करते हैं। दुनिया भर में घूमने का इनका शौक इतनी व्यस्तता के बावजूद बरकरार है। एक कमरे के एक मकान से एशिया के सबसे बड़े कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर बनने की इनकी कहानी हम सबके लिए एक मिसाल है। सन 2020 तक राजेंद्र मैक्सिम को विश्व में पहले स्थान पर लाने का सपना लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो जानते हैं कि रास्ता बहुत कठिन होगा, अनजान मोड़ों पर कई रुकावटें उनका इंतजार कर रही हैं, मगर वो डरते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं, वो बस मुस्कुराते हैं और हर कदम साहस से आगे बढ़ते जाते हैं।